नींद से जल्दी उठी हूँ। उठ के सबसे पहले नहाने चली गई, नहा के आके गर्म पानी बिठा दिया गुनगुना से, जो अभी मैं बैठ जाऊंगी पानी पीने के लिए। रात के टाइम तो मैं विंडो बंद कर देती हूँ। जैसे सुबह होता है पंछी लोग आ जाता है, विंडो के अंदर गैप होता है उसमें खाना रहता है उन लोगों का, और वो लोग विंडो बंद देखता है तो बहुत शोर करता है। मैं मेरा नींद खुला रहता है पर मैं थोड़ी सी लेट उठती हूँ। वो लोग 5 बजे आ जाते हैं, 5:30 बजे आ जाते हैं, और उसके बाद देखिए अभी मैं पूरा काम एक एक करके कम्प्लीट कर देती हूँ सुबह का जो मेरा डेली रूटीन का काम होता है। काम खत्म होते ही मैं विंडो में चली जाती हूँ, और विंडो से मैं बाहर का नज़र देखना बहुत पसंद करती हूँ। बार बार इसलिए विंडो में जाती हूँ, बारिश देखती हूँ। जैसे घर के अंदर आई तब भी आया मेरा दोस्त, मेरे यार, मेरी प्यारी। मैं इसको आवाज़ देती हूँ, मेरी आवाज़ सुनता है, हरकत करता है, मुझे इतना अच्छा लगता है मैं क्या ही बताऊँ। बिट्टू नमस्ते, सुप्रभात। अभी सुबह 8:30 बज रहा है, नींद से मैं आज जल्दी उठी हूँ, 6 बजे नहाई हूँ और रूम क्लीन, बेड क्लीन, ब्रश, सुबह का डेली रूटीन का जो मेरा काम था सब काम कम्प्लीट ही हो गया है। जस्ट मैं भगवान जी को सेवा करके अभी उठी हूँ, और अभी मैं किचन में हूँ, लेकिन अभी मैं चाय नहीं बनाऊँगी, बाद में चाय बनाऊँगी। बाहर अभी बारिश हो रहा है और अभी कंटिन्यू बारिश चालू है, कम होता ज़्यादा होता है लेकिन बारिश होते रहता है। कपड़ा मैं कल धो के डाल दिया है, ये अभी एक दिन में सूखता नहीं, टाइम लगता है इसमें सूखने में, कोई बात नहीं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिए पूरा लास्ट तक, देखिए वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आए। अभी किचन आई हूँ नाश्ता करने के लिए, 10:30 बज रहे हैं अभी, ठंडी ठंडी वेदर है। और एक नींद पूरा करके भी अभी उठी हूँ मैं सुबह के टाइम, मैं ऐसा कभी कभी करती हूँ। सब चाय मेरे बन गए, और चाय के साथ मैं कल रात को जो पूरी बनाया था वही लेने वाली हूँ। बासी पूरी होता है जो चाय के साथ अच्छा लगता है मुझे। आज सुबह का मेरा नाश्ता है एक गिलास चाय, पूरी और मीठा सूजी। तो अभी मैं जल्दी सुबह नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के लिए आज मैं बेड पे बैठी हूँ, क्योंकि विंडो के बाजू में है और विंडो में आता है पंछी, तो उसका थोड़ा डर कम हो जाए इसलिए मैं धीरे धीरे इधर से बात करती रहूँगी, और कुछ दिन में ही इसका डर एकदम ही खत्म हो जाएगा। बाहर बहुत बारिश हो रहा है और मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तो बारिश में मैं यही बैग लेती हूँ, इसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट ले लिया है बेटे के लिए, साथ में मेरा भी डॉक्यूमेंट ले लिया है। तो बारिश में बाहर जा रही हूँ, लेकिन कुछ काम के लिए जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, रात को हुआ अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू अभी होते ही रहेगा बारिश। चलिए लाइट ऑफ करना पड़ेगा अभी। ऑटो में तो मैं बैठ गई, ऑटो भी कवर है, दोनों साइड में पर्दा लगा हुआ है, लेकिन सीट भीगा हुआ है और बैठते बैठते मेरा कपड़ा भी भीग गया है, तो भी मुझे जाना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ सिम कार्ड गैलरी, और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी, रास्ते में अगर ट्रैफिक नहीं जाम होगा तो। और पूरा रास्ते में पानी भरा हुआ है, मुझे डर भी लग रहा है कि ऑटो बीच में बंद ना पड़ जाए, क्योंकि ऑटो इस टाइम बंद पड़ जाता है, बस भी बंद पड़ जाता है कभी कभी। मुंबई का बारिश बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक होता है, एकदम पानी, जैसे कि मैं अगर रास्ते में चलूँगी तो भी बहुत पानी के अंदर से मुझे चलना पड़ेगा। और बातें करते करते मैं पहुँच गई जिस गैलरी में आने वाली थी, उधर यहाँ पर वो है ना, तो ये गैलरी है और ये मेरा कमरा है, सिम गैलरी में आके बैठ गई। कस्टमर नहीं है, बारिश में कौन कस्टमर आएगा, एक मैं ही हूँ इधर कस्टमर, तो बैठे बैठे थोड़ा साइड का वीडियो ले रही हूँ। बाहर का कुछ बारिश नहीं दिख रहा अंदर से, बहुत ज़्यादा ऑटो घूमता है मुंबई में, वही वीडियो करो तो इस पर ऑटो ही घुस जाता है। लेकिन इसमें होगा तो बाद में देखा जाए, कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा है।
बारिश के लिए तो लिया। भीगते भीगते गैलरी के बाजू में एक शॉप में आई पेपर जेरॉक्स निकालने के लिए। इधर से जेरॉक्स निकल के फिर जाना है मुझे गैलरी में। मुझे बारिश में भीगने के लिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गैलरी से मैं आ गई हूँ और घर जाते जाते मैं बिल्ली लोग से थोड़ी सी मस्ती करने के लिए आई हूँ। मैं बस स्टॉप में जब भी आती हूँ तभी मैं इसी बिल्ली से मस्ती करती रहती हूँ और आज मैं थोड़ी सी इन लोग का वीडियो कर ही लिया। अरे बंद कर दिया उसको, खेल रहा था वो, खेलने अंदर डाल दिया। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, पूरा भीग भाग के ये बाजार लेके आ गई। पूरा बैग भीगा हुआ है, कपड़ा मेरा पूरा भीग गया है, पर्स मेरा बच गया है। बहुत सामान सामान लेके आई। अभी 5:30 बज रहा है और इतना अंधेरा है बाबा, बहुत बारिश है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है। कंटिन्यू बारिश होते ही जा रहा है, कल रात से पानी इतना जमा हुआ है रास्ते में। एसन तेल पट्टी है, ये है गुड़, चाय के साथ दूध, तो इसको मैं अभी ठीक ठाक करके रख देती हूँ। और अभी 7:00 पूरा लाइट ऑन हो जाता है बिल्डिंग में और इस टाइम बाहर का नज़र देखने के लिए और भी अच्छा लगता है। तो अब मैं मेरे घर का लाइट ऑन कर देती हूँ और किचन का लाइट तो मेरा ऑन ही रहता है, इसके साथ साथ मॉर्टिन भी ऑन कर देती हूँ क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा मच्छर भी आते हैं। पॉपकॉर्न इसको अभी बनाऊंगी और ये लिया है पापड़, ये फ्राई करूंगी, इसमें बिठाऊंगी पॉपकॉर्न। बारिश के टाइम घर पे ऐसा चटपटी खाना खाने के लिए बहुत मज़ेदार होता है, तो मैंने बना लिया है पापड़ फ्राई और पॉपकॉर्न। और अब मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी इंजॉय कर लेती हूँ बारिश के साथ।